हाय फ्रेंड्स, अभी बज रहा है 4। हम लोगों का आज का डेस्टिनेशन है बक्खाली। रास्ता तो ज़्यादा नहीं है, 140 के आसपास, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है तो जाने में 4 घंटे के करीब लग जाता है। ऑयन और पलास दोनों वेट कर रहे होंगे हम लोगों के कोना के वहाँ पे, और 3 नए बंदे भी है जाएंगे हम लोगों के साथ। चलिए देखते हैं। और हम आ चुके हैं हुगली ब्रिज पे, तो बाकी जो 4 बंदे आने वाले हैं वो यहीं पे मीट करेंगे हम लोगों के साथ, तो टोटल हम लोग 8 बंदे हो गए। आ गए हुगली ब्रिज के ऊपर, ठंडा ठंडा हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है बहुत। अभी तो यहाँ पे हर 500 मीटर के बाद ही एक सिग्नल मिल रहा है और हम लोगों को रुकना पड़ रहा है, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है अभी यहाँ पे। अभी हम लोग है डायमंड हार्बर पे, यहाँ पे व्यू काफ़ी अच्छा है, पीछे थोड़ा चाय ब्रेक चल रहा है, सब लोग सही है, तो थोड़ा सा यहाँ पे बैठ कर उसके बाद जाएंगे। देखिए आसमान भी बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हम आ गए नाम खाना। तो अगर आप ट्रेन से आओगे तो सियालदह से ट्रेन पकड़ के आपको नाम खाना आना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ से बस पकड़ के या टोटो, बहुत कुछ है, वैन भी है मोटर वाला, तो यहाँ से आप जा पाओगे बक्खाली। और ये जो ब्रिज है ये नया बना है, तो पहले ब्रिज नहीं था, यहाँ पे फेरी के मदद से हम लोगों को क्रॉस करना पड़ता था, गाड़ी फोर व्हीलर हर कुछ फेरी पे ही वेसल होता है, वेसल पे क्रॉस होता था। यहाँ से बक्खाली अभी 15 किलोमीटर के दूरी पे है, थोड़ा अच्छा जगह मिला तो हम लोग बैठ गए यहाँ पे, थोड़ा सा रुकने के बाद हम चलेंगे। चलिए शायद पहले हम लोग हिंदी आइलैंड जाएंगे, देखते हैं कहाँ जाते हैं। और ये हम आ चुके हैं हेनरी आइलैंड पे, तो सामने गेट है, यहाँ पे पर हेड 10 रुपीस लग रहा है और बाइक का भी 10 रुपीस लग रहा है। Oh,
रास्ता तो बहुत अच्छा है, एक तरफ मछलियों के लिए खाड़ी है, यहाँ पे फिशरी है, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे मैनग्रोव का फॉरेस्ट, बीच से हम लोग जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाइक इधर तक ही आ सकता है हेनरी आइलैंड के लिए। पूरा एरिया मैनग्रोव फॉरेस्ट से भरा हुआ है। यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा थोड़ा सा रास्ता, पहले तो इतना अच्छा रास्ता नहीं था, ईटर मिट्टी का बना हुआ था, मैं पहले भी आ चुका हूँ बहुत पहले, तो देखते हैं कैसे लगता है। सामने है सी बीच और ये रास्ता पहले तो इतना अच्छा नहीं था, अभी अच्छा कर दिया है रास्ता, ये देखिए और गेट भी दिखा देता हूँ, गेट ये रहा। बहुत ही अच्छा साउंड आ रहा है, समंदर का पहला व्यू। पानी तो अभी बहुत दूर है, यहाँ पे एक वॉच टावर है, 5 रुपया दे के ऊपर जा सकते हो। इधर भी एक वॉच टावर है, ये शायद अभी तक चालू नहीं हुआ। पानी तो बहुत दूर तक नीचे चला गया है। नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है वो है बक्खाली, तो चलिए। बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे, चाहे तो बहुत कुछ खरीद सकते हो। रास्ता सीधे बीच की तरफ जा रहा है, दोनों तरफ दुकानें हैं, एक छोटा सा मंदिर भी है। और ये हम लोग आ चुके हैं बक्खाली सी बीच पे, अभी 1 घंटे में जुआर आने वाला है, तब
अब यहाँ पे पानी बहुत आगे तक आ जाएगा। अभी तो पानी बहुत दूर है और धूप भी बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा धूप है, हालत ख़राब हो चुका है पूरा हम लोगों का। बैठने का जगह भी है बना हुआ है, आप लोग को 5 रुपया दे के बैठ सकते हो। अभी हम लोग घर वापस जा रहे हैं, काफ़ी दूर तक आ चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू भाई।